तो दोस्तों अब हमको पता है कि फाइनली डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स अब डिमोलिश हो चुका है। साथ ही में इस यूनिवर्स के हेनरी कैविल का सुपरमैन भी अब हमें जल्द देखने को नहीं मिलने वाला। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डीसी ईयू अब डीसी एल्सवर्ल्ड का पार्ट है, जिसकी वजह से शायद हमारी किस्मत अगर अच्छी रही तो हमें ये सुपरमैन वापस देखने को मिलेगा, जिसके आसार काफी कम है। और फाइनली डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स अब रिबूट होकर डीसी यू यानी कि डीसी यूनिवर्स में बदलने वाला है। और अगले साल 11 जुलाई 2025 को इसकी पहली मूवी सुपरमैन रिलीज होगी, जिसको डायरेक्ट करेंगे जेम्स गन, जो कि अब डीसी के कर्ता धरता हैं। और उन्होंने पिछले कुछ दिनों में इस फिल्म की एक एक कास्ट धीरे धीरे हमारे सामने रिवील कर दी है। और हाल ही में चंद घंटे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने इस नए डीसी यूनिवर्स के सुपरमैन का पहला लुक हमारे सामने रिवील कर दिया है, जिस रोल को निभाएंगे डेविड कॉर्नस्वेट। पर बहुत से लोगों के मन में अभी भी शंका है कि क्या वो हेनरी कैविल के आइकॉनिक सुपरमैन को बीट कर पाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा फैंस उनके इस लुक से खास खुश नहीं है। और मैं भी फैंस की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि पहली नजर में आपको ये कॉस्ट्यूम हेनरी कैविल के कॉस्ट्यूम से थोड़ी सी कमतर लगेगी, पर इसमें ऐसी कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि पहली नजर में ऐसा कई बार लगता है। अगर आपको याद होगा कि साल भर पहले जब डेडपूल एंड वुल्वरीन का पहला लुक हमारे सामने आया था और उसमें हमें लोगन की कॉस्ट्यूम यानी कि वुल्वरीन यानी कि ह्यूज जैकमैन की कॉस्ट्यूम पहली बार दिखी थी, तो हमें भी थोड़ी सी चाइल्डिश और किडिश लग रही थी, बजाय उसके भी कि ये कॉस्ट्यूम हमारे 90s के चाइल्डहुड मेमोरीज से भी जुड़ी हुई थी। पर इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होते ही हम सबकी ओपिनियन अचानक से बदल गई। तो ऐसा हो सकता है कि ये कॉस्ट्यूम ये लुक धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लगे। ये बात अलग है कि सिर्फ फैंस की नजरों में ही नहीं, मेरी नजर में भी हेनरी कैविल सुपरमैन अभी तक का सबसे बेस्ट एडेप्टेशन था एक सुपरमैन के दृष्टिकोण से, जिसे अब जेम्स गन पूरी तरीके से चेंज करने जा रहे हैं। पर सच कहूं तो ये खास गलत बात नहीं है। चेंज यानी कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। हो सकता है कि इस नई सुपरमैन फिल्म के अंदर ये कॉस्ट्यूम धीरे धीरे बदल भी जाए। शायद इस नए सुपरमैन के पास कई सारे ऐसे सूट्स हों जिसे अभी हमें रिवील नहीं किया गया है, जो कि उसके क्रिप्टोनियन पॉड में पहले से ही मौजूद होंगे, जिस पॉड से वो धरती पर लैंड किया था मार्था केंट और जोनाथन केंट के पास। देखो कुछ न कुछ तो अलग होगा इस नई सुपरमैन फिल्म में, जो इसे मैन ऑफ स्टील से अलग करेगा। एंड गाइस आपका तो नहीं पता, पर मुझे जेम्स गन पे पूरा भरोसा है कि वो जिस तरीके से अपने किसी कैरेक्टर को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं उसमें उनको महारत हासिल है, चाहे वो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की पीसमेकर सीरीज हो या फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की गार्जियन ऑफ गैलेक्सी। जेम्स गन का हर काम शानदार है, तो बिना जज किए हुए हमें जेम्स गन को एक मौका तो जरूर देना चाहिए। और उनके इस नए सुपरमैन की कॉस्ट्यूम कुछ पुराने सुपरमैन के की पार्ट्स को मिला के बनाई गई है, जो कि मेरी नजर में एक क्रिएटिव काम है। तो ऐसी क्रिएटिविटी को हम तो भाई सलाम करते हैं, पर हाँ ऐसा ना हो कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया है उतनी एक्सपेक्टेशन और उस कॉस्ट्यूम पे भी ये फिल्म उतनी खरी ना उतरे, क्योंकि बॉस फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सबको पता है। तो मे भी धीरे धीरे जेम्स गन इस कॉस्ट्यूम पे कुछ चेंज तो लाएंगे ही लाएंगे, ऐसी उम्मीद मैं तो जरूर कर रहा हूँ। आई होप कि आपके दिमाग में भी वही चल रहा हो जो मेरे दिमाग में इस वक्त चल रहा है इस वीडियो को बनाते वक्त। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर लिख कर बताओ कि आपको कैसा लगा इस नए सुपरमैन का पहला लुक। प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मिलूंगा बहुत जल्द आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।